वेलकम बैक। मैं अमित तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का स्कूल एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 5, दैट इज इरेशनल नंबर। और इस वीडियो में हम लोग ये भी पता लगाएंगे कि पाई एक रैशनल नंबर है कि एक इरेशनल नंबर है, लेकिन बिल्कुल एंड में, और जो भी होगा तो क्यों होगा, है ना। तो जल्दी से फिर अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो ध्यान से देखिए, रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर हमको बहुत अच्छे से मालूम है, कोई सा भी रैशनल नंबर आप पिक कर लो, कोई सा भी, वो सभी के सभी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे ही होंगे, जिनका क्यू जीरो नहीं होता है। और ये जो आप पी अपॉन क्यू का फॉर्म देख रहे हो बेटा, ये कैसा फॉर्म है, ये फ्रैक्शन का फॉर्म है जिनके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। तो अगर आप इनको सॉल्व करते हो, इनको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, यानी कि अगर आप इनके न्यूमरेटर को इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, यानी कि इनके अगर आप पी को इनके क्यू से डिवाइड करते हो, तो आपको क्वेश्चेंट मिलता है, राइट। क्वेश्चेंट मिलता है यानी कि इनका आंसर मिलता है। तो जब आप इनका आंसर निकालोगे तो आपको दिखेगा इनके क्वेश्चेंट में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना शुरू होगा, यानी कि डेसिमल नंबर बनना शुरू होगा, है ना, उनके आंसर में डेसिमल दिखेगा आपको। तो अब ये सवाल है कि डेसिमल जब दिखता है तो कितने प्रकार का डेसिमल नंबर आपको देखने को मिलता है जब भी आप पी को उनके क्यू से डिवाइड करते हो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, कि एक रैशनल नंबर हमने पिक कर लिया 1/5। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में जब आपने 1/5 लिया, यानी कि एक रैशनल नंबर आपने पिक किया 1/5, और उनके 1 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया था आपके पास 0.2, और 0.2 साफ दिख रहा है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेट कर गया। बात समझ में आ रही है, टर्मिनेटिंग है, देखिए रुका हुआ है, वहीं का वहीं कंप्लीट डिवीजन हो गया। ये 1/5 जब आपने डिवाइड किया तो 1/5 कंप्लीट डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 0.2। लेकिन वहीं पर जब आपने 1/7 किया था, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया था 0.142857, और ये रुका नहीं था यहाँ पर, है ना। ये उनमें से है जो सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता, यानी कि ये बढ़ता ही जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7। इसको आप कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो, ये रुकेगा नहीं, ये एंड सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। तो ये कौन सा डेसिमल था, यानी कि आपने क्या देखा कि जब आपने पी को उनके क्यू से डिवाइड किया तो दो प्रकार के आपको डेसिमल देखने को मिले। नंबर वन, जो टर्मिनेट कर गया, और नंबर टू, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुका नहीं, देखो एंड सो ऑन लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन 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 ध्यान से देखो, ये रिपीट कर रहा है, यानी कि 1, 4, 2, 8, 5, 7 यहाँ तक, और फिर से बढ़ेगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, और इस तरह से बढ़ता जाएगा, है ना, बार बार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आपको देखने को मिला। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग देखने को मिला आपको, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और पहला वाला कैसे था, टर्मिनेटिंग, दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी आप किसी पी अपॉन क्यू को सिंप्लीफाई करते हो, यानी कि जब भी आप पी को उनके क्यू से डिवाइड करते हो, तो आपको दो प्रकार के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, यानी रिपीट तो करेगा ही करेगा, है ना, अगर टर्मिनेट नहीं किया यानी रुका नहीं तो रिपीट तो करेगा ही करेगा। अब यहीं से आपकी क्लास शुरू होती है। अब मेरा सवाल ये है बच्चा आपसे कि क्या कोई ऐसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि रुके ना, है ना, लेकिन रिपीट भी ना करे, यानी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। बात समझ आ रही है, जो ना ही टर्मिनेट करे, यानी कि यहां पर हम वर्ड्स में लिख दें, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही वो रिपीट कर रहा है। तो क्या ये संभव है, ऐसा हो सकता है कोई नंबर, कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो जो रिपीट भी ना करे और टर्मिनेट भी ना करे। फॉर एग्जाम्पल 2.01001000001 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, ये एंड सो ऑन लगा है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो 01001001, यानी कि आप इनके ऊपर बार नहीं लगा सकते हो। बात समझ आ रही है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो क्या ये नंबर भी संभव है, क्या ऐसे नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका जवाब है बच्चों, हाँ। और यही जो आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, इन्हीं को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, जो कि जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यही है इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इजी है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर का इंट्रो, है ना, स्टार्टिंग बिल्कुल। अब ये सवाल है कि चलिए मान लिया हमने कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी ना करे और जो रिपीट भी ना करे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अब
लेकिन आपने तो कहा था कि जब भी कभी पी को उनके क्यू से डिवाइड करते हैं, जब भी हम किसी पी को उनके क्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास या तो टर्मिनेटिंग आता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि भले ही टर्मिनेट ना करे, रुके ना, लेकिन रिपीट तो करेगा ही करेगा, तो ये आता है। तो ये तीसरा कैसे आ सकता है? तो इसका जवाब है बेटा कि ये जो आप देख रहे हो NTNR यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि जो इरेशनल नंबर है, ये कभी किसी पी को उनके क्यू से डिवाइड करने से आएगा भी नहीं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल के पास पी अपॉन क्यू जैसा कोई फॉर्मेट भी नहीं होता है। कभी भी आप किसी भी पी को डिवाइड करोगे उनके क्यू से तो इरेशनल यानी कि ये जो NTNR देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा जब आप किसी पी को उनके क्यू से डिवाइड करोगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगा कब, ये कब देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपने कह दिया कि पी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो कभी ये नहीं आएगा, तो फिर ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनता कैसे है? तो ये तब बनता है बेटा जब आप किसी इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो। समझ में आ रहा है? ये डिवीजन से नहीं बनेगा क्योंकि पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट है ही नहीं इनके पास। ये बनेगा जब आप किसी इम्परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है बेटा? 1. आप खुद चेक कर लेना, 1.41421 35 एंड सो ऑन बढ़ता ही जाएगा। और देखो अभी तक कुछ भी रिपीट नहीं किया, 41 42 135 एंड सो ऑन बढ़ता ही गया है ना, और एक भी नंबर रिपीट नहीं किया। तो ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ध्यान से देखो, अगर आपने रूट 3 का चेक किया वैल्यू है ना, क्योंकि 3 भी एक इम्परफेक्ट नंबर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 1.73205 08 and so on। यानी कि देखिए अगेन एंड सो ऑन लगा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुका नहीं है, और नॉन रिपीटिंग है यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये सभी के सभी नंबर्स कैसे होते हैं बेटा? ये सभी के सभी नंबर्स इरेशनल है और ये डिवीजन से नहीं आ रही, ये रूट सॉल्व करने से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने आपसे एक दो एग्जांपल और पूछ लिया तो क्या कोई समस्या कोई दिक्कत होगी? इरेशनल नंबर का अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा एक नंबर बताओ जो इरेशनल हो, कोई आप एग्जांपल दो, तो जरूरी नहीं कि आप रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7 बोलो, है ना, आप अपने मन से कुछ एग्जांपल्स ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बना भी सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि एंड सो ऑन लगाना है एंड में, और साथ में नॉन रिपीटिंग भी करना है ना, यानी कि नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट भी ना करें। तो कोई भी एग्जांपल आप ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 2.16 116 116 1116 4 times 1 6 and so on। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं है, देखो एंड सो ऑन लगा हुआ है। क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ, ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ। कोई और एग्जांपल बताओ, कुछ और ले लेते हैं, तो 0.70 700 700 7000 7 4 times 0 and so on। तो ध्यान से देखो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो एंड सो ऑन लगा हुआ है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो दोनों चीजें हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये भी एक बेटा इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपने समझा कि इरेशनल नंबर बनते कैसे हैं, ये डिवीजन से नहीं बनते हैं, ये स्क्वायर रूट सॉल्व करने से बनते हैं ना, वो भी एक इम्परफेक्ट नंबर का। और इस तरह के जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो एक इरेशनल नंबर होते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन रहा है ना, बहुत मज़ेदार है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए तो अब आपने ये तो समझ लिया कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, यानी कि रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी बात, इतना आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से कि रैशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं और एक इरेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं। तो अब जल्दी से बताओ, अब हम शुरुआत करने वाले हैं कि पाई के बारे में, है ना। पाई एक रैशनल नंबर है कि एक इरेशनल नंबर है, बताओ जल्दी से, ध्यान से देखो, पाई एक रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अब सवाल उठेगा कि पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, तो उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, उस पर हम देख करके बता सकते हैं कि वो एक रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो देखिए, जब हम बात करेंगे पाई की 22/7 वैल्यू पर, 22/7 वैल्यू पर, तो साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर पी भी है और यहाँ पर क्यू भी है जिनका क्यू जीरो नहीं है। तो अगर इस फॉर्मेट को हम देखें, इस फॉर्मेट को अगर हम बेटा देखें, तो हमको साफ दिख रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि इनके पास पी अपॉन क्यू का फॉर्म है और जिनका क्यू जीरो नहीं है, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर हम इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे पहुंच जाएं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे, तो इनकी वैल्यू होती है बेटा 3. ध्यान से देखना, 14159 एंड सो ऑन, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, ध्यान से देखो, ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है एंड सो ऑन लगा हुआ है और ना ही अभी तक रिपीट कर रहा है। आप बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, रिपीट भी नहीं करेगा। तो इस हिसाब से अगर आप इसको देखोगे इस हिसाब से, तब तो ये दिख रहा है कैसा, ये एक इरेशनल नंबर दिख रहा है। तो क्या सही माना जाए, क्या सही माना जाए? तो आपको बेटा जान के हैरानी होगी, आपको जान के आप सच में सरप्राइज हो जाओगे कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि 22/7 की जो वैल्यू है वो नियरली 3.14159 के काफी क्लोज है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए 3.14159 के काफी क्लोज है। जैसे आपके एग्जाम में अगर किसी बच्चे के 10 में से 9.7 नंबर आते हैं आउट ऑफ 10, तो हम लोग क्या कहते हैं, नियरली 10 आउट ऑफ 10 ही है ना, राउंड ऑफ। तो उसी तरह से ये समझो कि 22/7 की जो वैल्यू है, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल में, है ना, वो काफी क्लोज होगी 3.14159 के, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके कह देते हैं कि हाँ ये भी 22/7 के बराबर ही है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल आप 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखो क्या आती है वैल्यू, 22/7 इज इक्वल टू होगा 3.14285 एंड सो ऑन, है ना। अब आप ध्यान से देखो 3.14285। अब आप इधर बहुत ध्यान से देखो, यहां पर क्या आ रहा है 3.14, इधर भी 3.14, लेकिन बाद में यहां पर 159 आ रहा है और यहां पर 285 आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत कम अंतर होने की वजह से, स्टार्टिंग के देखो 3.14 होने की वजह से हम क्या मान लेते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सके, हम लोग क्या कह देते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 भी है। लेकिन मैथमेटिक्स में एक्चुअल में अगर आप उतरोगे, क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं देखोगे, तो पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। यानी कि अब तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने फॉर्मूले पढ़े हैं 22/7 को मान करके, वो सबके सब गलत है। हाँ जी बिल्कुल, वो सबके सब गलत है। तो कोई बात नहीं, फिलहाल जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको तो करना ही, क्योंकि यही सिखाया जा रहा है आपको। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछेगा आज के बाद कि पाई एक रैशनल है कि इरैशनल है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो 3.14159 है, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। उसकी वजह से ये एक इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। याद रहेगा अच्छे से, तभी मैंने कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा और आप कई बार गलत कर देते हो। जब भी मैं पूछता हूँ पाई एक रैशनल है कि इरैशनल, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रैशनल है, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये इरैशनल, तो आज के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि पाई एक इरैशनल नंबर है, और है तो क्यों है, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू 3.14159 यानी कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसी वजह से इसको इरैशनल नंबर कहते हैं। 22/7 के हिसाब से देखें तो ये एक रैशनल नंबर होता है, बट 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू हो तब ना, है ना, तो इसका मतलब 22/7 इसकी एक्चुअल वैल्यू है नहीं, इसीलिए ये रैशनल नंबर भी नहीं काउंट होता। बात समझ में आ गई? तो मजा आएगी नहीं आई? तो अगर बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो के लिंक को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।